भरामा मुर्गियाँ भी देखने को मिलेंगी और चकोर और चकोर के बच्चे। अक्षित भाई, ये एक महीने के पट्टे हैं चकोर के, जैसे आप देख रहे हैं हेल्दी एक्टिव है। इसके खसूसी प्राइस क्या है? व्यूअर्स के लिए स्पेशल प्राइस है 2100। देखें, अभी जो आप देख रहे हैं ये 4 महीने के हैं, ये 5,500 का पीस मिल जाएगा और 11,000 का जोड़ा हो गया। ठीक है, थैंक यू जजाक, ठीक है ना आप। तो व्यूअर, आज हम एक ऐसे सेटअप पे आए हैं जहां आपको भरामा मुर्गियां भी देखने को मिलेंगी और चकोर और चकोर के बच्चे मुख्तलिफ एजेस के मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे देखने वाले जितने भी व्यूअर हैं उनके खिदमत में खलूस भरा और दिल के गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि भरामा और चकोर ये आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम क्लिफ्टन के साइट पे मौजूद हैं और जैसा कि कराची के हालात से आप वाकिफ़ हैं कि काफ़ी बारिशें हो रही थी और मैं काफ़ी रज़ा साहब को टाल रहा था कि बारिशें हो रही हैं, सड़कें भरी हुई हैं। तो आज हुआ ये कि हमारा तय हो गया, संडे का दिन था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तो जब हम रास्ते में निकले हैं तो वो बारिश हमें जो मिली है, तो एक हमारा एक असूल है, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मिशन में निकले हैं तो इंशाल्लाह मिशन कंप्लीट करके हम वापस जाते हैं। तो आज हम रज़ा साहब के सेटअप में हैं, बिल्कुल बारिश के पानी से नहाए हुए, तरोताज़ा होकर, और रज़ा साहब से मालूम करेंगे कि इनके पास आप लोगों के लिए डिस्काउंट प्राइस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए अब रज़ा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपनी लोकेशन को वाज़ह करें। जमशेद भाई, मेरी लोकेशन है बोर्ड बेसन क्लिफ्टन। बोर्ड बेसन क्लिफ्टन जी, जी। तो जब सारे रास्ते हम आ रहे थे तो आपसे फ़ोन पर रबता था, तो आपको कहाँ कहाँ हमने रुक के बताया कि हम बारिशों को सामना कर रहे हैं। आयशा मंजिल पर भी रुका था, हम तीन जगह फंसे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आपने काम पूरा किया अपना, ठीक है ना जी। जी, बकौल आपके कि आपने मैसेज भी किया था कि बारिश हो रही है, मैंने चाहा था आप फंसेंगे यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इंसान के इरादे अगर मजबूत हो ना तो अल्लाह मददगार होता है, ऐसा ही। ठीक है, हम आज आप पहुँच गए। तो आज आप हमारे व्यूवर्स को खुश करने वाले प्राइस के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, खुश करने वाले प्राइस के साथ आपके पास क्या क्या वैरायटी है? मेरे पास है लाइट क्रोमियन ब्रामा और चकोर के मुख्तलिफ उम्र के पट्टे हैं मेरे पास। अच्छा, तो नज़र मार लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले किस चीज़ पे नज़र मारें? पहले चकोर से शुरू करते हैं, सबसे छोटे हैं 1 महीने के पट्टे। 1 महीने से जो छोटे पट्टे हैं, 1 महीने से जो छोटे पट्टे उन पर नज़र मारते हैं। चले आए मार। राजा साहब, ये जो है इसके मन बताएँ और इसके प्राइस बताएँ। जमशेद भाई, ये 1 महीने के पट्टे हैं चकोर के, जैसे आप देख रहे हैं हेल्दी एक्टिव हैं, और इसके प्राइस आपके व्यूअर्स के लिए हो जाएंगे 1350 रुपये पर पेयर। और जो बल्क में लेना चाहेंगे, क्वांटिटी में लेना चाहेंगे, उनके लिए ज़रूर डिस्काउंट होगा, और जो आपके रेफरेंस आएगा उनको भी ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, तो ये हमारे व्यूअर के लिए डिस्काउंट मिलेगा। वैक्सीनेटेड हैं इनकी? सिर्फ NDIB वैक्सीनेशन हुई हुई है, मैं सिर्फ पहली वैक्सीनेशन कराता हूँ। इनकी NDIB वैक्सीनेशन हुई हुई है, मैं सिर्फ पहली वैक्सीन कराता हूँ। उसके अलावा मैं कैल्शियम विटामिन भी रेगुलर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती आगे। अच्छा, इसको कैल्शियम से कवर कर रहे हैं, और जो बारिशें हो रही हैं उससे किस तरह कवर कर रहे हैं? कैल्शियम से तो भरपूर मैंने इनको कवर कराया हुआ है, इसके अलावा पानी और नमी से भी पूरी तरह से कवर किया हुआ है, ना कहीं से पानी आता है, ना नमी बढ़ती है। चलें, ठीक है। और इसके अलावा कितने बड़े और हैं? इससे बड़े चूज़े भी हैं? इससे बड़े आपको 2.5 महीने के मिल जाएंगे। चलें, वो देखते हैं जी। रजा साहब, इसकी बताएं क्या है ये? जमशेद भाई, ये 2.5 महीने के पट्टे हैं। तो ये 2.5 महीने के पट्टे हैं, वैक्सीनेटेड हैं? ये भी वैक्सीनेटेड हैं, इनकी भी NDIB की वैक्सीन हुई हुई है। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए खासूसी, इसकी खसूसी प्राइस क्या है?
व्यूअर्स के लिए स्पेशल प्राइस है 2100, लेकिन अब व्यूअर्स आगे से फरमाइश करें कि आपकी रेफरेंस से आए तो उनके लिए ज़रूर और डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये कितने पेयर होंगे आपके पास? ढाई महीने के तकरीबन 35 से 40 पेयर है मेरे पास। ढाई महीने के 35 से 40 हैं। अच्छा, और जो एक महीने वाले थे वो कितने? उनके पूरे 100 पेयर हैं मेरे। 100 पेयर हैं, 100 दाने 50 पेयर हैं। जी जी, ऐसी है। अच्छा जी, तो एक महीने वाले इनके पास 50 पेयर हैं, 100 दाने, और ये जो है ढाई महीने वाले, ये कितने के कितने तादाद में? ये 80 दाने हैं और 40 पेयर हैं। 80 दाने और 40 पेयर हैं। तो ये आपने इसकी ये प्राइस लगाई है, ठीक है ना? जी जी। तो अच्छा, इनके खाने पीने से मुतालिक इनको कोई स्पेशल डाइट दी जाती है? क्योंकि ये हमारा कौमी परिंदा है चकोर, ठीक है ना? ये तो आपके इल्म में हो गया रजा साहब, ठीक है ना? तो ये हमारे रीजन में क्या चीज़ शौक़ से खाता है? ये शौक़ से तो पालक खाता है, पालक के पत्ते भरपूर खाता है, और जब भी दे दो, जिस टाइम दे दो फिर भी खा लेगा। इसके अलावा मैंने बाहर, आपने देखा होगा कि मैंने अपने क्यारी में बाजरे के पत्ते लगाए हुए हैं, और मैं रेगुलर देता हूँ, एक टाइम वो देता हूँ खाने में, और उसके बाद दो टाइम तीन नंबर फीड भी दे रहे हैं। अच्छा, फीड जो है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है ना? जी जी, आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में इनको क्या क्या देते हैं? नेचर में मैंने आपको अभी बताया कि मैं सलाद, नेचर में जैसे मैंने आपको बताया कि बाजरे के पत्ते देता हूँ और पालक। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये जो ककड़ी है, खीरा है, ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं जो मेरे इल्म में है। खीरा खाते हैं लेकिन कम खाते हैं मेरे हिसाब से, शौक़ से नहीं खाते इतना जितना पालक खाते हैं। एक सलाद पत्ता भी बहुत शौक़ से खाते हैं? सलाद पत्ता भी भरपूर खाते हैं। अच्छा, तो जो रखें उनको ये ग़िज़ा ज़रूर दें ताकि ये हमारे हैबिटेट के हैं। पालक दें, सलाद के पत्ते दें, खीरा दें, फिर उनको फीड भी दें, तो फिर जाके इनकी एक बेहतर नशोनुमा होती है। सबसे अच्छा मशवरा दूंगा कि आपने एक छोटे सबसे अच्छा मशवरा मैं आपको दूंगा कि 2-3 आप गमले लें, उसमें बाजरा लगा दें, बाजरे के पत्ते खाएंगे ना, आपको उसमें कोई कॉस्ट पड़ेगी, बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको और बहुत ही हेल्दी रहेगा। चलें, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और इसके बाद क्या दिखा रहे हैं आप हमें? इसके बाद हम लाइट लोमियन ब्रामा देखते हैं। तो वीवर, ये ब्रामा है। अब इनकी एज क्या है रजा साहब? इनकी एज है 4 महीने। 4 महीने। इसमें कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं? अभी जेंडर का हम हिसाब लगा नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्यों, उसकी खास वजह? इस एज में पता नहीं चलता है, थोड़े और बड़े होते हैं 5-5.5 महीने के, तो फिर अच्छा खासा वाजे हो जाता है। तो अगर किसी को जोड़ा चाहिए होगा तो किस तरह देंगे आप? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बस वैसे इनका अंदाज़ा इस तरह लगता है, इनका साइज़ का और थोड़ा कलर का, फ्रिल का फ़र्क होता है। अच्छा, एक बात ये बताएं कि ये अंडे से पाले थे आपने या हैच किए हुए आपके पास बच्चे हैं या बच्चे से पाले हैं? ये मैंने खुद हैच किए थे, ब्रीडर भी थे मेरे पास, लेकिन ब्रीडर की मुद्दत पूरी हुई थी तो मैं सेल करना पड़ा, और अंडे मैंने खुद अपने इनक्यूबेटर में लगाए थे। ये आपके हैच किए हुए बच्चे हैं इनक्यूबेटर से, ठीक है ना? तो कितनी तादाद में बच्चे हैं ये? ये दस पीस है मेरे पास। ये टोटल 10 पीस हैं। अच्छा, ये टोटल 10 पीस हैं, तो जोड़े के और एक पीस के प्राइस ज़रा बताएं। देखें, अभी जो आप देख रहे हैं ये 4 महीने के हैं, ये 5.5 हज़ार का पीस मिल जाएगा और 11 हज़ार का जोड़ा हो गया। इसके अलावा आगे चल के हम देखते हैं 3.5 महीने के, उनके भी रेट बताता हूँ मैं आपको। पहले इसके रेट क्लियर कर दें। 5.5 हज़ार का पीस और 11 हज़ार का जोड़ा। 5.5 हज़ार का पीस और 11 हज़ार का जोड़ा। एज क्या बताई इनकी? 4 महीने। 4 महीने इनकी एज है। चलें, अब जो आप दिखाएंगे वो कौन से एज के दिखाएंगे? 3.5 महीने के। तो व्यूअर, ये 3.5 महीने के ब्रामा देख रहे हैं हम, और आपको भी दिखा रहे हैं।
और इनसे रज़ा साहब से मालूम करते हैं कि ये बरामा जो है कितनी तादाद में इनके पास। यहाँ पर इस वक्त 3 हैं और मज़ीद सवालात करेंगे, पहले इनसे तादाद का पूछ लेते हैं। चलें, टोटल 10 हैं, 4 महीने के 5 हैं और 3.5 महीने के 5 हैं। फ़िलहाल यहाँ पे 3 रखे हैं, जगह की वजह से। अच्छा रज़ा साहब, ये कि रेडिश क्यों हो रही है वो वाली लाल लाल सी या ब्राउन सी? ये पेरेंट्स की म्यूटेशन की वजह से फ़र्क आया था, और कोई बीमारी है कुछ नहीं कह सकते। ये ब्रीडर की म्यूटेशन से फ़र्क आया था, लेकिन कोई इसको ऐसी कोई बीमारी या कोई वायरस नहीं है। माशाल्लाह सब हेल्दी एक्टिव है। माशाल्लाह। अच्छा अब इनके प्राइस से भी मुतालिक बताएं। ये 5,000 का पीस मिल जाएगा और 10,000 का पेयर। 5,000 का पेयर मिल जाएगा और 10,000 रुपये का जोड़ा मिल, वो सॉरी 5,000 का एक मिल जाएगा और 10,000 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है? तो हमारे व्यूवर्स के लिए इसमें भी कुछ कमी बेशी होगी? जी बिल्कुल, जो आपके रेफरेंस आएगा ज़रूर डिस्काउंट होगा उनको, डिस्काउंट करेंगे। अच्छा जाहिर सी बात है, ये भी बचपन से ही आपने हेज किए हुए होंगे? जी ऐसे ही है। तो हेज करने के बाद आपने इसको कितनी दफ़ा वैक्सीन की है? इनकी भी वही पहली वैक्सीनेशन है NDIB की। तो उसके बाद सालाना कोई या माहाना या 6 महीना या 3 महीने में कुछ किया? पहली वैक्सीन मैं कराता हूँ NDIB की, उसके बाद मैं मल्टी विटामिन पर ले आता हूँ और रेगुलर विटामिन और कैल्शियम मिलते हैं इनको। अच्छा, यानी प्रॉपर कैल्शियम और इनको मल्टी विटामिन मिलते हैं, तो ये बीमारी कमज़ोरी नहीं होती जिसकी वजह कर ये बीमारी इन पर हमला आवर हो? नहीं, ऐसा क्यों हुआ जब इतना हेल्दी और एक्टिव इन्वायरमेंट दिया हुआ है और इतने सेहतमंद चीज़ें मिलती हैं और हर चीज़ स्केड्यूल के साथ होती है, एक दिन एक चीज़ मिलेगी एक दिन दूसरी चीज़, तो भरपूर ख्याल रखा हुआ है। नहीं देखें, वो तो आपने इन्वायरमेंट रखा हुआ है, लेकिन मेन चीज़ इसका जो है वो फीड है। आपने फीड को मेंटेन किया हुआ, साथ में मल्टी विटामिन भी दे रहे हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। तो व्यूअर, ये इनके पास बरामा थी वो भी आपको दिखा दिया, और इनके पास जो चकोर थे वो भी दिखा दिया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं रज़ा साहब से, और मज़ीद मालूमात हम आपको रज़ा साहब से लेके देते हैं, ठीक है? तो वीवर, आज रज़ा साहब के हम सेटअप पे आए, आपको बरामा दिखाया, चकोर के मुख्तलिफ महीने के 2.5 महीने के चीज़ दिखाए और बरामा के भी दिखाए आपको। तो इत्तेफाक़ से यहाँ एक चीज़ जो बहुत सारे लोग इनक्यूबेटर तलाश करते हैं, बिल्कुल नया इनक्यूबेटर इनके पास पड़ा हुआ है, ये बेचना चाह रहे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे व्यूअर को कम से कम प्राइस लगाएं, और 1, 2, 3, 4 पोर्शन का है, इसमें 4 पोर्शन के अंडे आएंगे, जब आपको रज़ा साहब ख़ुद बताएंगे। तो रज़ा साहब, ये जो इनक्यूबेटर बेच रहे हैं ये तो हो गया ब्रूडर? जी ऐसे ही है, ठीक है ना? और नीचे हो गया इनक्यूबेटर? जी और इस इनक्यूबेटर की कैपेसिटी क्या है? टोटल ये एक टाइम पे आप इसमें 360 अंडे रख सकते हैं, 360, और उसमें 4 ट्रे हैं, एक ट्रे में 90 अंडे आ जाते हैं। एक ट्रे में 90 अंडे आ जाते हैं और 360 कैपेसिटी है इसकी? जी टोटल, ठीक है। इनक्यूबेटर है और ये इसका ब्रूडर है, इसके अंदर अंडे कितने बच्चे आ जाते हैं रज़ा? 360 डाल, आप चाहें तो 360 डाल दें, 400 डाल दें, क्योंकि आपको पता है एक दिन का बहुत छोटा होता है, और जिस तरह साइज़ बढ़ता है ऐसे निकालते रहें आप। 4 अंडों की ट्रे हैं, एक टाइम 4 अंडों की ट्रे हैं और एक ट्रे में टोटल 90 अंडे आते हैं, और चारों में टोटल 360 आते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक है, क्लाइमेट इसका फुली ऑटोमेटिक है, इसकी ह्यूमिडिटी ये फुली ऑटोमेटिक है, इसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक है। आप यहाँ पर अपने सेटिंग डालेंगे और उसमें खुद ही ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें 2 फैन लगे हुए हैं, ह्यूमिडिटी इस साइड से दूसरी साइड पे थ्रो करता है, और उसमें 3 बल्ब हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अच्छा, टेम्परेचर भी यहीं से मेंटेन होता है? जी इधर लाए। ये 2 जो हैं अंडे जो है जब गैस पूरे हो जाते हैं तो उसके लिए 2 ट्रे हैं, ये 2 हैचेट ट्रे हैं, और ये 4 ऑटोमेटिक रोलिंग ट्रे हैं। इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, क्लिप भी लगे हुए हैं। ये क्लिप इसलिए होता है कि आपका अंडा यहाँ से ना इधर जाए ना उधर जाए ना इधर जाए, इसका ये फ़ायदा है कि आपका अंडा अपनी जगह से हिलता नहीं है। अच्छा, तो इसकी प्राइस क्या है टोटल? इसकी प्राइस 70,000 है। 70 या 17? इसकी प्राइस 70,000 है, 70,000।
70,000 जी। अच्छा, मार्केट में क्या वैल्यू है प्राइस इसके? मार्केट में इस तरह की जिसकी चीज़ है वो अपना हिसाब से बेचते हैं, लेकिन मार्केट में अभी जो मैंने लास्ट टाइम अपडेट ली थी मार्केट से, मैंने बड़ा साइज़ का बनवाना था, उसमें तकरीबन 80 से 90,000 के बीच में चल रहा है 360 अंडों वाला। 360 अंडे वाला कितने का चल रहा है? 80 से 90,000 का। 80 से 90,000 रुपये का। ठीक है। रजा साहब, इसको आपने कितने महीने इस्तेमाल किया? मैंने इसको 4 महीने इस्तेमाल किया है। जैसे इससे पहले मेरे पास छोटा था, फिर मैं इस पर आया, अब मैंने इससे भी बड़े का 1,000 अंडों का मैंने ऑर्डर दिया है। जिस तरह काम बढ़ता रहता है उस तरह मशीन भी चेंज होती रहती है, बस ये वजह है बेचने की। और कितने टाइम तक आपने इसको इस्तेमाल किया? 4 महीने। 4 महीने आपने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको बेचने की वजह क्या है? जी, रिक्वायरमेंट है कस्टमर की तरफ से कि माल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मुझे भी थोड़ा आगे मार्केट की डिमांड के हिसाब से जैसे ज़्यादा माल बिकना होता है तो मशीन बड़ी चाहिए, इनक्यूबेटर बड़ा होगा, अंडे ज़्यादा लगेंगे, आगे हर चीज़ बड़ी होगी, ये वजह है। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि इसको बेच के बड़ा मशीन ले लूँ? अगर आप अपनी ऐसी एक मशीन और ले लेंगे तो डबल बिजली का खर्चा होगा, ये वजह है, ठीक है ना? अगर आप ऐसी एक मशीन और लेंगे क्योंकि मैं अपने एक्स की हैचिंग बढ़ाऊं जी, तो उसमें डबल बिजली का खर्चा आएगा। तो जो जो कितने कैपेसिटी का? 360 जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपसे रब्ता कर लें। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बता दें, 70,000 ही मेरे हिसाब से कुछ मुनासिब नहीं है। चलिए, जो आपके व्यूअर होंगे नहीं, आप देखें, अगर 80,000 रुपये का मिल रहा है जी जी, और आप 70,000 रुपये का बेच रहे हैं, आपने एक दिन इस्तेमाल किया है, तो फिर भी ये 70,000 रुपये का मुनासिब नहीं। मुनासिब रेट बता दें। फिर 65,000 कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको यूज़ भी नहीं किया हुआ, कंडीशन भी आपके सामने है। चलिए, इसके रेट मैं बता देता हूँ, आप 60 कर लीजिएगा। आप 65 नहीं कीजिएगा, आप 60 कर लीजिएगा। चलिए, 60 हो जाएंगे। तो आप वो 60,000 में मज़ीद पैसे मिला के आप बड़ा इनक्यूबेटर लेंगे जी। तो देखें, हमारी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार को प्रमोट करे, अल्लाह ताला बरकत दे उसमें, और आपके कारोबार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। लेकिन मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि जब कोई नया फ्रेंचाइजर आ रहा हो उसको तमाम मालूमात दें, ठीक है, और उनको ग़िज़ा के मुतालिक, जाहिर सी बात है अगर मैं 10 बच्चे ले जाऊँगा तो 2 बीमार होंगे, ऐसा ही है, 2 बीमार होंगे, तो मैं अगर नया होऊंगा तो मैं कहूँगा कि 2 बच्चे मुझे उसने ख़राब दे दिए। अगला बंदा परेशान है, अगला बंदा ये सोचेगा मेरे साथ चीट हो गई जी, जी, मेरे साथ धोखा हो गया। 8 बच्चे नहीं देखेगा वो 2 बच्चे देखेगा, ऐसा ही है, ठीक है ना? तो कुछ लोग जज्बाती भी होते हैं और समझ नहीं पाते, तो उनको भी गाइड कीजिएगा कि नहीं, ये जैसे कि मौसम की तब्दीली होती है उसमें मरते भी हैं जीते भी हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये तमाम उनको ब्रीफ कीजिएगा। अच्छा, ये कारोबार कैसा है, इसके मुतालिक थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? कारोबार अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर आप कैसे बंद हैं। अगर आप गलत काम करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत काम करें, अच्छा काम करना चाहते हैं, नेकी से काम करें अपनी, तो काम बड़ा अच्छा है ये। नहीं देखिए, मैं जो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि चकोर जो है ना हमारा कौमी परिंदा जी जी, और इसकी फार्मिंग जितनी हो अच्छी है, ऐसा ही है, और इसका गोश्त भी कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है, ठीक है ना? मुर्गी के बनस्बत अगर आप इसको ज़्यादा कास्ट करेंगे इसकी प्राइस लो होगी, तो वो मरीज लोग भी खा लेंगे इसका गोश्त, जो मुजरे सेहत नहीं है किसी भी लिहाज से। तो इसके बहुत सारे एंगल हैं चकोर के, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है जैसे कोई करना चाह रहा है, कोई भी सेटअप लगाना चाह रहा है, उसको स्पेशली फेवर दीजिएगा। लाजमी फेवर तो देना है, बस जो बंदा काम करना चाहते हैं अच्छी तरह काम करेगा उसको फेवर देंगे, सपोर्ट करें जिस तरह हुई। अच्छा, अब आपसे लोकेशन कि आपकी जगह किस जगह पे स्ट्रीट वाइज बता दें, और अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। अच्छा, मेरी लोकेशन है बोर्ड बेसन क्लिफ्टन। अगर आप पंजाब चौरंगी से आते हैं तो पंजाब चौरंगी से सीधा आएंगे, सिग्नल से पहले आते हैं पिज़्ज़ा इन, तो बोर्ड बेसन में सबसे पहली दुकान है मेरा, उसके पीछे सेटअप है। और दूसरी तरफ अगर आप आते हैं माड़ीपुर की तरफ से आते हैं यूएस एम्बेसी से आते हैं, तो सिग्नल के बाद ही पहली दुकान है बोर्ड बेसन में पिज़्ज़ा इन, उसके पीछे ही सेटअप है। इसके अलावा
मेरा नंबर है 0336225203। मेरा नंबर है 0336225203। थैंक यू। अच्छा, लोग रابطہ करेंगे, जो भी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनके साथ ताबुन करेंगे, ठीक है? जी जी, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। ठीक है ना, आपसे मिलकर खुशी भी हुई, आपका सेटअप भी देखा, आप माशाल्लाह बाएखलाक हैं और जवान हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह बाहिम्मत होकर जवानों को भी शामिल करें, और जो लोग आपसे उम्र रसीदा लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, अगर वो आपसे रुजू करते हैं तो उसको आप इजाफे जो भी आप हेल्प कर सकते हैं कर दीजिए, मेरी कोशिश होगी ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो व्यूअर, ये था आज रज़ा साहब के सेटअप का टूर, और नहायत ही यादगार टूर था ये, हमें अपनी लाइफ में याद रहेगा कि आज जब हम निकले तो हमें किन किन जगहों पर बारिश मिली, और तूफ़ानी बारिश, ऐसी नहीं कि हल्की फुल्की बारिश, तूफ़ानी बारिश हमें मिली। लेकिन क्योंकि आज हमने रज़ा साहब से वादा कर लिया था, तबीयत भी नासाज थी, उसके बावजूद हम लोग निकले हैं। जहां हम रुके हुए थे, तेज़ बारिश हो रही थी, लोगों ने कहा आगे ना जाओ, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। मैंने कहा पानी के अंदर से घुस के जाना पड़े, लेकिन आज हमने रज़ा साहब से वादा कर लिया, तो आज हम यहां पर पहुंचे, आपको चकोर भी दिखाया। जहां तक आप लोगों की फेवर की बात थी, वो भी की। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों की फेवर में इतना भी मैं नहीं जा सकता था कि जहाँ रज़ा साहब को नुकसान हो, तो हमने रज़ा साहब से आपके लिए बरामा में और जो चकोर था उसमें जो भी रियायत करने की थी, इनक्यूबेटर जो है 360 अंडे का, उसमें भी जो कमी बेशी करनी थी, रज़ा साहब को हमने यहाँ एग्री कर लिया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तो अब हमें वापसी जाना है घर, तो दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से पहुँच जाए, क्योंकि तूफ़ानी बारिशों में हम हाथ हो गए हैं, अब हमें वापस अपनी जगह भी जाना है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे किसी सेटअप पे। आप अपना और अपने बच्चों का ख़ास करके ख्याल रखें, बारिश के दौरान छोटे बच्चों को खुला ना छोड़ दें, क्योंकि गटर भी उबल रहे होते हैं, उसमें भी बाज़ बच्चे गिर के हलाक हो जाते हैं। तो अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। फी अमानल्लाह, अल्लाह हाफिज़।